अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल चुके उनके चाचा और इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव आज समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे। बीते दो सालों से आजम खान सीतापुर जिला की जेल में बंद हैं। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी बुधवार को रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान जयंत चौधरी ने आजम खान के परिवार से अपना पारिवारिक रिश्ता बताया था। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी तथा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के कदम से अखिलेश यादव पर अब दबाव बढ़ने लगा है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव आज अपने 4 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ सीतापुर जेल पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर गुरुवार को ही गहरी चिंता जताई थी और कहा था कि वे सीतापुर जेल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। शिवपाल ने कहा था कि आजम खान से मिलने सीतापुर जेल में जाएंगे। भाजपा सरकार में उनका काफी उत्पीड़न हो रहा है और उन पर लगातार कई झूठे केस लादे जा रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात के राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ ही आजम खान इन दिनों अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव तो कई बार सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं, जबकि आजम खान ने समर्थकों के माध्यम से अपनी नाराजगी का संदेश दिया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।